अरे दामाद जी, बोलो ससुर जी। हम जो भी चीज तुम्हारे हाथ में रखता है भेड़ा, तुम उसको रगड़ता ही रहता है। खुजली है क्या? खुजली वाला रस्ते का कुत्ता है क्या हम? डैडी, बालिंग से पहले हमेशा बाल को रगड़ना पड़ता है। आदत ही पड़ जाती है, छुट्टी ही नहीं। अरे बड़ी, इसको क्या मालूम, इसने तो कभी क्रिकेट खेला ही नहीं। अरे कुली डंडे से फुर्सत मिले तो खेलू ना भेड़िया, क्रिकेट नहीं खेला। हाँ भाई दामाद जी, तुम अपने बाप के बारे में कुछ बोल रहा था ना? क्या बाप? हाँ, मेरा बाप का नाम बांडरी कुमार, बहुत फेमस आदमी थे। कलकत्ता के एक मैच में उन्होंने बॉल को ऐसा मारा बैट सीधा ऊपर, जब नीचे गिरा तो सीधा पिताजी के सड़क के ऊपर, ऑन द स्पॉट पिताजी चल बसे। और तुम्हारा मम्मी वो कैसा मरा? वो क्या हुआ, मेरी माताजी उनके मायके में ये खबर सुनकर क्रिकेट का बॉल निकल कर मर गई। अरे अरे साईं। दामाद जी, मेरे को एक शक है, दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर के हाथ में भैसा ये लकड़ी का बैट होता है, और मेरे हाथ में ये स्टील का बैट कैसा ऐसा नहीं? वो क्या हुआ, लास्ट टेस्ट में अफ्रीका के जंगल में खेल रहा था। कौन से जानवर के साथ खेला? आपके साथ। जानवर के साथ नहीं, आदमी के साथ खेल रहा था। पहला बॉल मार दिया छक्का, बैट टूट गया। दूसरा बॉल मार दिया छक्का, बैट टूट गया। ऐसे मैंने 10-12 बैट तोड़ दिया। वहाँ टाटा का मैनेजर बैठा था, खुश हो गया, और टाटा कंपनी ने मुझे स्टील का बैट प्रेजेंट दिया। अरे पुट, तुम इनके झंझट में काय को पड़ता है नी बड़ी, तुम चुप बैठो नी बाबा। ये बताइए कि इस स्टील के बैट का क्या फायदा? फायदा बहुत फायदा है। क्या है, सामने अंपायर खड़ा है, मैं नॉट आउट हूँ, और फिर भी वो बोल रहा है आउट। दिखाता हूँ, आप आउट बोलिए। हम एम्पायर थोड़े। अरे आउट बोलिए नी। अरे भाई, अरे आउट नहीं। अरे बोलो नी बाबा। अच्छा चलो आउट। अब वो क्या करता, अरे नॉट आउट भाई, नॉट आउट, नॉट आउट बाबा, नॉट आउट, नॉट आउट। ये बड़ा फायदा है। जावेद मियादत के पास कितने बैट पड़े ऐसे है, और कुछ शक है? भाई मेरा शक तो दूर हो गया, इनका शक दूर करो, मैं तो ऑफिस में चला बाबा। आपको कुछ शक है? मेरे को भी नहीं हेडा। आपको कुछ शक है? डॉक्टर साहब, सॉरी कृष्णा, तुम्हारी माँ शायद कोमा से बाहर नहीं आ सकेगी। ये नाग जिसे चाहता है ना, उसे हासिल करके ही रहता है। उन लोगों के नाम रघु, नाग। ये लड़की 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास पहुंच जानी चाहिए, समझे?
अरे मेरी प्यारी बुलबुली, हम रूपनगर के जीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। कौन है? सामने क्यों नहीं आ रहा है? कौन है बे? जिस माँ को तुम लोगों ने इस बैसाखी का मोहताज बना दिया, उसी माँ का बेटा हूं मैं। जिस माँ के अपाहिजपन का फायदा उठाकर तुम लोगों ने उसकी बेटी को बेरहमी से मार डाला, उसी बहन का भाई हूं मैं। तेरी मौत के लिए मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। जल्दी बुलाओ। अच्छा सर। क्या ये सब किसने किया? मालूम नहीं। हमारे खिलाफ सर उठाने की हिम्मत किसने की? अगर पता चल जाए तो उस हरामजादे की गर्दन मरोड़ के ना रख दूं। मां, मां, मैंने तुम्हारे गुरु दक्षिणा की पहली मांग पूरी कर दी। मैंने एक दरिंदे को खत्म कर डाला। अरे कृष्णा, ये होश में कैसे आ गई? डॉक्टर साहब, ये जिस्मानी इलाज की मरीज नहीं है, इन्हें दिमागी इलाज की जरूरत है। इन्हें दवा की नहीं बल्कि उस शांति की जरूरत है जिसे सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। सब मैंने कुछ नहीं किया सर, ये दोनों लोग खाली मुझे फोकट में पकड़ के लाए। साहब ये झूठ बोलता है, रुपए चुरा के भाग रहा था। नहीं है सर। चल निकाल माल। नहीं है साहब। अच्छा, के दास से माल छुपाता है? नहीं नहीं निकाल, बोल बंद। अरे साहब मत कर, थोड़ा से। अरे चलिए सर, निकाल मत। हवालदार जी साहब, कंप्लेन लिखो कि इसके पास से 3,000 रुपए बरामद हुए हैं। साहब बाकी की 27,000। अबे चुप, तूने दारू पी, तू कोठे पे गया? नहीं नहीं नहीं, तूने सारे पैसा खर्च कर डाले। देखो 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 साहब, ये बेईमानी साहब। अबे हट डाले, हमें ईमानदारी सिखाता है, टपोरी कहीं का साहब। क्या क्या साहब, वो 27 में से 50-50 कर लो ना। चुपे, अगर ज्यादा गड़बड़ की ना तो दफा 302 लगाकर फांसी पे लटका दूंगा, समझा? वैसे भी यहाँ बहुत मर्डर केसेस पेंडिंग पड़े हैं। और कुछ है? कुछ नहीं साहब। साहब ये नहीं ले सकता। निकाल निकाल, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। निकाल निकाल, के दांत से छुपाता है तेरी तुम। इंस्पेक्टर सूरज सिंह। सर आप? हाँ मैं, इंस्पेक्टर सूरज सिंह। काफी बेशर्मी से इस वर्दी को दागदार करने का काम कर रहे हैं आप। मिस्टर केदास, आपके खिलाफ बहुत शिकायतें थीं, इसीलिए आपको रंगे हाथों पकड़ने के लिए ये जाल बुना गया है। एंड नाउ यू आर सस्पेंडेड।
मुझे सस्पेंड करने का आपको कोई हक नहीं है इंस्पेक्टर सूरज सिंह। मगर शहर के डीआईजी को हक है। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से सस्पेंड करता हूँ। खाऊदास, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की पोजीशन इज्जत लुटी औरत की तरह हो जाती है, दाढ़ी मूछों वाले ताली बजाने वाले मर जैसी। रघु, इनके अपमान की डिग्री इतनी मत बढ़ाओ कि पान में किमाम की जगह जहर खा के मर जाए। अरे भाई, मरने तो नहीं, इसने सरकारी टोपी पहनकर आपको कितना टोपी पहनाया। अरे हमने स्कूल की कॉपी में इतना नहीं लिखा जितना इसके लिए चेक लिखा है। जैसा बकरी पत्ता खाता है नहीं, वैसे ही तुम्हारा पूरा बैंक बैलेंस खा गया चढ़िया, पूरा बैंक बैलेंस। अरे छड़े छड़े प्यालो, हेट रखो, अभी तुम्हारे पास नौकरी नहीं है ना, तो तुम्हारे खाने पीने का टाइम खत्म, घर जाओ। अरे वाह दीवानी, मुझे सस्पेंड हुए 24 घंटे हुए नहीं है? और तुम लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने लग गए। कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी वैल्यू का पता चलेगा तुम्हें। भाई काहे का वैल्यू का पता चलेगा, एक खाऊदास जाएगा दूसरा खाऊदास आएगा, इधर खाऊदासों की कमी है क्या, उसके मुंह में हड्डी डाल देगा चरे हो भैंसा। पर वो नया इंस्पेक्टर जो है वो बड़ा सख्त है, और जब वो पेंडिंग केसेस की फाइलें खोलेगा तो उसमें सरस्वती की फाइल भी खुलेगी, और फिर वो तुम सब की खाले उधेड़ कर उसमें भूसा भर देगा। हवलदार, मैं पूछता हूँ कि आज तक इस रिपोर्ट के ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सर, इंस्पेक्टर के दास को जब तक रुपया खाने को नहीं मिलता था, वो केस की फाइल को छूते तक नहीं थे। बेकार फाइल है, फेंक दो कोने में, ऐसा बोल बोल के कचरे की तरह पेंडिंग केसेस के ढेर लगा दिए सर। तुम जानते हो ये औरत कहाँ रहती है? जानता हूँ साहब। कोई है? कौन? माँ। क्या चाहिए इंस्पेक्टर? माँ, मुझे पहचाना नहीं माँ, मैं सूरज हूँ माँ, तेरा बेटा सूरज। माँ, मेरा बेटा सूरज? हाँ माँ, मेरा बेटा। हाँ। मेरा बच्चा, तू जिंदा है? हाँ माँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बस करो माँ। मगर ये सब कुछ कैसे हो गया? बाद में बताती हूँ, पहले तू बता, इतने सालों तू कहाँ था? उस रात मुझे किसी शख्स ने नदी में फेंक दिया था माँ, मगर एक इंस्पेक्टर ने मेरी जान बचाकर मुझे ये इज्जत की जिंदगी दी है माँ। माँ, ज्योति कहाँ है? माँ तू बोलती क्यों नहीं, ज्योति कहाँ है? माँ, ये कैसे हो गया? बेटे, कौन है वो भेड़िए जिन्होंने मेरी मां को अपाहिज किया, मेरी बहन की हत्या की? पुलिस ने उन्हें पकड़ा नहीं मां? वो कैसे पकड़ेगी, वो भी उन बदमाशों से मिली हुई है। लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा मां, ऐसी सजा दिलवाकर रहूंगा कि जिंदगी भर वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहेंगे। उन बदमाशों का सर्वनाश जरूर होगा, एक माँ का श्राप है। आज का दिन आपको अशुभ है, नया व्यापार नहीं करना, आपका मुंह किसी को नहीं दिखाना अच्छा है। अरे भाई दामाद जी। बोलो जी। हमारा दोस्त खाऊदास तुमको मिलने आया? नहीं, किरदास मतलब वही है, आज हमारे ऊपर मंगल भारी है, हम किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। अरे बाबा, वो तुमको माला पहनाना मांगता है भाई, तो पाँव में डालो माला। अरे गर्दन में पाँव में, तेरे को फर्क नजर नहीं आता? चल जा, हेट कर पेपर। अरे भाई देखो तो भेड़िया कौन आया। कौन? हेलो। ससुर जी, मैं जरा नेट प्रैक्टिस करके आता हूँ। भाई वाह वाह वाह, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे भाई जरूर देखा होगा, बड़ा पॉपुलर आदमी है, टीवी में देखा होगा, क्रिकेट के मैच में देखा होगा। मैच में नहीं, ग्रैंड रोड पे देखा है।
बस स्टॉप पे देखा है, लोकल ट्रेन में देखा है, सेंट्रल जेल में देखा है। अरे वाह, हमारा दामाद जेल में भी बैटिंग करता है। बैटिंग नहीं, कटिंग करता है। कटिंग मतलब? एक नंबर का चोर है ये। ये चोर है? अव्वल नंबर का जेब कतरा है, दो बार तो मैंने इसे अंदर किया है। क्या बात करता है? अरे भेड़िया, जेब काटने वाले कुत्ते ने हमको काटा। कोई बात नहीं, कुत्ते ने कुत्ते को काटा। अरे ये बात बाद में। अरे इधर देखो चोर, भेड़िया चोर, मैं तेरा नाक तोड़ दूंगा, मैं तेरा नाक तोड़ दूंगा। अरे मैं तेरे को कूट कूट के मैं तेरा बनाऊंगा टेलकम पायलट। बचा, इधर बचा, बचा, मारे, बचा, बचा। नहीं मानना, नहीं मानना, मेरी बात सुनो, तुम्हारी बेटी विधवा हो जाएगी, मेरी बात सुनो। अरे एक नंबर का चोर है, कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं, अभी इस घर में नहीं रह सकता, इसको बाहर निकालो। नहीं डैडी, अभी नहीं हो सकता। क्यों? इस बैट शास्त्री का छोटा शास्त्री मेरे पेट में पल रहा है बेबी। अरे अरे, शादी से पहले नेट प्रैक्टिस में ही सेंचुरी मार दी, मैं तेरे साथ साथ ही छोटे शास्त्री को भी खत्म कर दूंगा। अरे इस तरह तो दीवानी फैमिली इधर ही रुक जाएंगी। नहीं जड़ा, कल से काम ले नहीं पापा। देखो जो होना था सो हो गया, अब इसको दामाद स्वीकार करने में ही अपना भला है। नहीं भाभी जी ठीक कर रही है। चल बे लफंगे, माफी मांग। ससुर जी, ससुर जी, हमको माफी दे दो। अरे ये तो सिल्ली बिल्ली है, हमसे कसूर हुई गवाह, कसम गंगा किनारे की। बड़ी गंगा किनारे से आया नी? अरे सारे उल्लास नगर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, थुक तेरे कारो मुंह थिंदो। आशीर्वाद राम तेरी गंगा मैली।